अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी फरहीन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपने कज़न की शादी। तो चलते हैं मामू लोगों के घर। शादी किसकी है? शादी है मेरे मामू के बेटे की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे रावलपिंडी से वाकेंड। तो ये यहाँ पे हम लोग टेक्सला की तरफ जो हैं वो पहुँच चुके हैं। आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब धूप नहीं थी और बारिश भी नहीं हुई थी। तो ये रहा जी फर्स्ट फंक्शन मेहंदी का। तो ये यहाँ पे उन लोगों ने लाइटिंग करवाई हुई थी। मेहंदी का फंक्शन जो था वो घर में ही था। ये मेरा मेहंदी का आउटफिट, यहाँ पे मैंने पहनी सी फ्रॉक थी, नीचे बेल बॉटम था, साथ में हाथों में बैंगल्स थी, ब्रेसलेट्स था, रिंग्स थी और मेहंदी भी थी। और ये मेरी बहन का आउटफिट, उसने पहना था शरारा और शर्ट, ये उसका आउटफिट था। तो मेहंदी का फंक्शन जैसे मैंने पहले ही बताया तो वो घर में था। तो ये यहाँ पे मेहंदी का उन लोगों ने हल्का सा डेकोर किया हुआ था। तो फिर हम लोग गए खाना खाने के लिए। खाना में था चिकन कौरमा था और साथ में था ज़रदा। खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। उसके बाद जी मेहंदी की रस्म जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे मेरा भाई जो था वो कज़न को खिला रहा था मिठाई। तो नेक्स्ट डे थी बारात। बारात में सुबह नाश्ते में हम लोगों ने खाई बाकर खानी चाय के साथ। और फिर ये था मेरा आउटफिट सेकेंड डे का। यहाँ पर था शर्ट थी, टिश्यू टाइप कपड़ा था उसकी शर्ट थी और साथ दुपट्टा था और ट्राउज़र था। तो यहाँ पे हो रही थी सेराबंदी की रस्म। सेराबंदी में ये होता है कि दूल्हे को दूल्हा बनाया जाता है और उसके बाद हार माला वगैरह बनाई जाती है। तो ये वाला हार जो है वो दूल्हे के मामू लाए हुए थे। तो ये मेरी और मेरी बहन का आउटफिट नंबर टू। यहाँ पर बन के जा रहे थे तो ये यहाँ पर ढोल ले आए थे। तो हम लोग जा रहे थे सामने, हमारी थी वो कोशिश करी हुई थी। तो सारे खुशी खुशी जो थे वो जा रहे थे बारात लेके। तो ये थी हमारी एक कोस्टर, दो तीन कोस्टर्स गई थी। तो यहाँ पे हम लोग पीछे बैठे हुए थे कोस्टर में और हम लोग जा रहे थे और बारात लेके जा रहे थे हम लोग वापस रावलपिंडी। फिर जी डेढ़ दो घंटे का सफ़र करते हुए हम लोग पहुँचे पिंडी वापस। तो आज भी मौसम अच्छा था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, सही था मौसम। तो ये यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हॉल। हॉल का नाम था रॉयल मार्की आई गेस, ये था सतपुर रोड पे। तो हॉल अंदर से कुछ इस तरह का था और यहाँ पे जो थी वो टेबल सर्विंग थी। तो ये यहाँ पे हमारा स्टार्टर जो था वो आ चुका था। और ये था खाना। खाना में था पुलाव, ब्रोस्ट, सीख कबाब और गोश्त का सालन था। सब कुछ बहुत ज़्यादा मज़े का था। और स्वीट डिश में था फालूदा और लबे शेरे। फिर यहाँ पे खाना खाने के बाद हो रही थी यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म। और ये तो आई गेस हर किसी फैमिली में होती है। तो यहाँ पे जो हुई दूध पिलाई की रस्म और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दूल्हा जो था वो घर आ चुका था। तो यहाँ पे दूल्हे को खिलाई जा रही थी मिठाई, उसको वेलकम किया जा रहा था। और फिर यहाँ पे दुल्हन की बहन जो है वो दरवाज़ा रोक के खड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद जो था देवर जो था दुल्हन का वो कर रहा था घोड़ा पकड़ाई के रस्म। और ये रहा डे थ्री। डे थ्री में था वलीमा। वलीमा जो था वो था वापस से वाकेंट में। तो ये था स्टेज का सेटअप। और ये मेरा आउटफिट नंबर थ्री। यहाँ पे मैंने पहनी थी ब्लैक कलर की मैक्सी। और ये मेरी बहन का आउटफिट, उसने पहनी थी वाइट कलर की मैक्सी। और यह था खाना। खाना में थे चाइनीज़ राइस थे और रोस्ट और सीख कबाब सालन भी था। और यहाँ से हम जा रहे थे वापस। तीनों फंक्शन जो थे वो हम लोगों ने अच्छे से इंजॉय किए थे, बहुत मज़ा आया था। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।